में देर शाम को बैरक में दो पुलिस कर्मियों की आपस में तुतुमय हो गई, जिसके चलते सिलेक्शन ग्रेड पुलिस इकबाल सिंह ने हवलदार पर गोली चला दी। गोली चलाने से हवलदार की मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलने की इस घटना में पूरे पुलिस लाइन परिसर में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर सभी उच्चाधिकारी पहुंच गए। उसी समय गोली चलाने वाले आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे राइफल छीन ली गई। SSP ने बताया कि आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार करते पुलिस थाना में लॉकअप में बंद कर दिया गया है और उसकी राइफल छीन ली गई है और मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं मृतक हवलदार मोहम्मद जूनस रियासी का बताया जा रहा है, जिसका शव पोस्टमार्टम के लिए GMC कठुआ में भेजा गया है। हेलो, यार बच्ची बैठ गई। Yeah.